हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान आयुष काउंसलिंग के बारे में। जैसे जो कल वीडियो मैंने बनाई थी वो थी UP आयुष काउंसलिंग के बारे में, जिसमें एक्सपेक्टेड डेट्स, काउंसलिंग के रूल्स, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं काउंसलिंग में, कितनी फ़ीस लगती है काउंसलिंग की, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस की फ़ीस। हालांकि कल वाली वीडियो में कट ऑफ नहीं डिस्कस की थी, लेकिन आज जो है वीडियो में ये सारी चीज़ों के साथ साथ कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर वो भी देखेंगे, और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड और क्या प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग के, कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये पूरा, और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं ये सब देखेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें कि यहाँ पर एंट्रेंस वाला चैनल पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है, हर स्टेप पर गाइडेंस दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसका चार्ज अभी 1200 रुपये चल रहा है पेड काउंसलिंग गाइडेंस का, जिसमें कंप्लीट आपको काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है। ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लेना चाहते हों चाहे प्राइवेट के लेना चाहते हों पूरा गाइडेंस, और प्लैटिनम प्लान जिसमें फॉर्म वगैरह सब कुछ हमारी टीम वर्क करेगी उसका चार्ज 3000 रुपये है। तो जो लोग चाहें वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेट्स की बात की जाए तो काउंसलिंग की जो डेट रहने वाली है, स्टेट काउंसलिंग बेसिकली राजस्थान की अगर बात की जाए तो स्टेट कोटा की जो शुरू हो जाएगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक्सपेक्टेड राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होना। अगर AAACC की बात की जाए यानी ऑल इंडिया कोटा आयुष की, तो ये जो है लगभग 25 से 30 जुलाई के बीच में जो है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो MCC की काउंसलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 6 जुलाई के बाद 6 से 10 के बीच में जो है स्टार्ट होने के पूरे उसके चांसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ब्रोशर है ये लास्ट ईयर का है क्योंकि इस साल का आया नहीं है, और बाकी ये सारे जितने भी रूल्स वगैरह हैं ये सब डिटेल में बताए जाएंगे, लेकिन क्योंकि जब एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पर सारे रूल्स को बताना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, पहले तो हमने सारी वीडियो बना दी थी डिटेल में, लेकिन काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट हुई सारे स्टेट का एक साथ काउंसलिंग स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट की एक साथ रही थी, तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई थी, सिर्फ 1-2 स्टेट की बनाई थी मैंने। और उस टाइम पे क्योंकि जो पेड वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनको सर्विस प्रोवाइड करना हमारा पहला काम होता है, तो इस वजह से जो फ्री वाली वीडियो है उसमें आने में भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है, तो इसलिए आप लोग ये सब जान लें और पेड ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो सारी चीज़ें हैं वो उस टाइम पर भी बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर सबसे पहले BAMS, BHMS और BUMS प्लस BNYS के लिए जो काउंसलिंग है वो राजस्थान आयुष काउंसलिंग के थ्रू होगी। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी बता दी थी, वेबसाइट का नाम है राजस्थान यानी राज UGPG आयुष काउंसलिंग। तो आप जाकर अगर गूगल पे टाइप करेंगे राजस्थान आयुष काउंसलिंग तब भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात की जाए तो आपका 2000 जो है जनरल कैटेगरी से, या फिर EWS OBC MBC से, और अगर SC ST STA से बिलोंग करते हैं तो आपके 1500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, जो आप नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन ये वापस नहीं मिलेगा। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। और अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी आप अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब उस केस में आपको 2000 रुपये जमा करने होंगे आप किसी भी कैटेगरी के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपका जो है यहाँ पर नीट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी जनरल EWS से हैं तो 164, और अगर कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 129 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10th 12th की अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 12th में आपके 50% होने चाहिए, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%, या फिर जनरल से आप PWD हैं तो 45% पे भी हो जाएगा। यहाँ पर सब कोर्स का जो है सेम रहता है क्वालिफिकेशन वाला 12th का। तो ये यहाँ पर ये लास्ट वाले मार्क्स हैं, हालांकि इस साल वाले जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। एज लिमिट, अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है, मिनिमम 17 ईयर्स आपकी होना चाहिए। बाकी ऑल इंडिया कोटा जो प्राइवेट सीट्स हैं यानी जो राजस्थान के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप दूसरे स्टेट से भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि आपके जो है क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर होने चाहिए तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ पहले 2 राउंड में ही ऑल इंडिया कोटा की सीट जो है भरी जाती हैं प्राइवेट वाली, बाकी जो गवर्नमेंट की 15% सीट्स है उसमें एडमिशन तो AA CCC के थ्रू होगा। ये सारे रूल जो है मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, बता भी दिए हैं वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाकर देख लें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो सेपरेटली इन्होंने बताया है किसके लिए, पहले ये ऑल इंडिया कोटा यहाँ पर बताया यानी ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं यानी दूसरे स्टेट के लिए तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है आपका 2000 लगेगा, सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपका 50,000 लगेगा, काउंसलिंग सिक्योरिटी अमाउंट। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो है ये सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ थी, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ राउंड 2 कैंडिडेट हु गेट अलर्टेड सीट विल हैव ऑप्शन टू सरेंडर हिज और सीट विद इन ड्यूरेशन ऑफ 3 डेज आफ्टर द
डे ऑफ अलॉटमेंट विद इन द कंडीशन ऑफ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी, यानी अगर आपको कॉलेज मिल जाता है राउंड टू में तो उसके बाद आप कॉलेज को अगर छोड़ना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यही रूल्स हैं। फिर स्टेट कोटा की बात करें तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन के तो मैंने बता दिए, अगर आप जनरली AWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी 2000 है, और अगर कैटेगरी से हैं तो 1500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। फिर आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए, यानी काउंसलिंग के टाइम पर जो प्रोसेस रहेगा आपका, तो उसमें सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट का जो है अंडरटेकिंग लेना होगा, ऑनलाइन भरते हुए ये सब हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, फिर आपकी जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी स्टेट रैंक होगी। फिर उसके बाद जो है अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के टाइम पर आपको जो है काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी, जो कि है 25,000 रुपये। जैसे अदर स्टेट में, जैसे यूपी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 20,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा करनी है, प्राइवेट के लिए 50,000, उसी तरह से यहाँ पर 25,000 जो है आपको जमा करनी है। कब करनी है? जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं करनी है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है काउंसलिंग फीस को लेकर। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिलता है तो सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉलेज सेकंड राउंड या उसके बाद किसी राउंड में मिलता है तो आप अगर सीट छोड़ते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। तो सिक्योरिटी मनी बेसिकली इसीलिए होती है ताकि आपको कॉलेज जो भी मिल रहा है तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएँ। ये सारी चीज़ें जो उस टाइम पर काउंसलिंग के टाइम पर हम डिटेल में बताएंगे। और फिर उसके बाद जो है आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे और एडमिशन ले लेंगे। ये तो हो गया जनरल प्रोसेस क्या रहेगा, और फिर उसके बाद राउंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट्स पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपने अगर नहीं बनवाए तो बनवा के रख लें वो सब। अब मैं आपको जो लास्ट ईयर वाली कट ऑफ थी वो दिखा देता हूँ। तो राजस्थान की यहाँ लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात की जाए तो BAMS और BHMS इधर बॉयज़ की है, इधर गर्ल्स की है। आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक देखनी है। कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अब क्योंकि स्टेट राजस्थान का यहाँ पर सेपरेटली बना रहा था तो मैं सोचा फिर से जोड़ दूँ। तो अलग अलग कैटेगरी के, अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक आपकी है इस कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, या इससे 5,000 से 7,000 ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा भी है, तब भी आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें तो आपको कॉलेज मिलने के जो है चांसेस हैं पूरे पूरे। और मार्क्स के हिसाब से आप बिल्कुल ना देखें, क्योंकि सिनेरियो है पूरा चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद BHMS का आप यहाँ देख लेंगे कैटेगरी वाइज, ये जो रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक है। अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक आपकी कैटेगरी से है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं सीट पाने के लिए। उसी तरह से BOMS की बात की जाए तो BOMS की यहाँ पर जनरल AWS OBC SC से, ये ऑल इंडिया रैंक इतनी के आसपास अगर आपकी है तो आप पार्टिसिपेट करें, कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस और कितने कॉलेजेस राजस्थान के अंदर हैं। तो ये जो आपके सामने है ये है लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स, यानी किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स थी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर, स्टेट कोटा के अंदर, कैटेगरी वाइज क्या क्या सीट्स थी हर कॉलेज की, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट BAMS के कॉलेजेस हैं। सबसे पहला आयुर्वेदा यानी BAMS की बात चलिए, यहाँ पर आप देख लें, ये BAMS के कोर्सेज की बात चलिए, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। शुरू के 8 जो हैं, अब अलग अलग नाम पढ़े तो एक जोधपुर वाला है, एक मदन मोहन उदयपुर, एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर, एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कोटा, एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय बीकानेर, और एक भरतपुर, एक सिकार और एक अजमेर में। टोटल 8 BAMS के गवर्नमेंट BAMS कॉलेज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के नाम हैं 8 से लेकर 17 तक जो राजस्थान के अंदर हैं। फिर उसके बाद उसी तरह BOMS के कॉलेजेस यहाँ पर हैं, ये तो एक है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टोंग, ये BOMS का गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। फिर उसके बाद होम्योपैथी की बात की जाए, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो लास्ट ईयर इनको परमिशन मिली, और फिर उसके बाद जो अदर ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इनके कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है इनको। फिर योग एंड नेचुरोपैथी की बात की जाए तो यहाँ पर ये कॉलेजेस इनके हैं, सब देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कॉलेजेस को किस सिक्वेंस में रखना, कैसे काउंसलिंग करनी है, तो आप जो है पेड काउंसलिंग का गाइडेंस ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जाकर। तो कोई क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।